हेलो डियर स्टूडेंट, तो कल हमने लास्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का हमने इटालियन रिवोल्यूशनरी जो था आपका मज़ेनी वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हमको वहां से कंटिन्यू करना है। तो देखो, मज़ेनी जो था उसका विजन था टू ब्रिंग डेमोक्रेसी, जो आपका इटालियन का रिवोल्यूशनरी था मज़ेनी, उसका विजन क्या था? टू ब्रिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। पर ये सक्सेस भी हो पाया? ये सक्सेस हो गया आपका? नहीं। तो क्या हुआ? देखो, 1830 से लेके 1814 तक आपके सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन चले। 1830 से लेके 1814 तक क्या आपके सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन चले। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन था आपका, अब देखो सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमारा बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस कंजर्वेटिव का फाइट हुआ था और वो हार गए थे, फिर ट्रीटी ऑफ बिना साइन हुई थी। जिसने भी मेरे लेक्चर नंबर 1-2-3 देखे वो पहले देख ले, उसके बाद से स्टोरी आपको कंटिन्यू समझ में आएगी। तो बैटल और वाटरलू में क्या हुआ? नेपोलियन आपका हार गया, कंजर्वेटिव क्या हो गया आपके जीत गए। कंजर्वेटिव क्या थे? जितने वो लोग चाहते थे कि मोनार्क गवर्नमेंट फिर से आ जाए, मोनार्क मतलब क्या था? किंगशिप वाला फिर से आ जाए। और लिबरल्स को क्या कह रहे थे? कि जो भी गवर्नमेंट बने वो पीपल के हिसाब से बने, मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने। तो सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कंजर्वेटिव जो था वो पावर में आ गया था। कंजर्वेटिव कम्स इन पावर। तो यहाँ पर एक राजा था जिसका नाम था आपका बोरबॉन, एक स्पेन का राजा था बोरबॉन, वो आपका हट गया। और उसके बाद से दूसरा राजा आया जिसका नाम था लुईस फिलिप। क्या नाम था? लुईस फिलिप आपका राजा बना वहां पे। अब लुईस फिलिप देखो, ये सभी स्टोरी कहाँ पे चल रही थी आपकी? फ्रांस में। तो जो चीज फ्रांस में होती थी, जो चीज आपकी फ्रांस में होती थी वही इसके आसपास में जितनी भी कंट्रीज थी, लाइक जैसे मैंने बोला डेनमार्क आपका, इटली, स्विट्जरलैंड। तो अगर फ्रांस में जैसा रिवॉल्यूशन हुआ उसी का इफेक्ट उसमें पड़ता था आपका बाकी चीजों में। तो एक स्टेटमेंट हुआ था वह, यहाँ पे स्टेटमेंट बहुत फेमस था, स्टेटमेंट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस फायर, सॉरी कैचेस कोल्ड, ठीक है। When France sneezes, मतलब होता है जब फ्रांस छींक देता है तो बाकी के पूरे यूरोप को क्या कहता है? कोल्ड। बाकी के यूरोप को क्या कहता है? कोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके बाद, अब यहाँ पर क्या होता है आपका? सबसे पहले रिवॉल्यूशन चालू होता है पॉइंट नंबर 1, दैट इज जुलाई रिवॉल्यूशन। क्या नाम से आता है? जुलाई रिवॉल्यूशन। और इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, ये था आपका 1830 की बात है, 1830 की। सेम यही रिवॉल्यूशन का ये क्या कहते थे कि आपका लुई फिलिप जो था वो क्या आ गया था पावर में, और इन्हें क्या कहता है? लुई फिलिप किसके हिसाब से चलने लगा? कंजर्वेटिव के हिसाब से चलने लगा। कंजर्वेटिव के हिसाब से क्या करने लगा? चलने लगा। और लिबरल्स की बातें सुन रहा था क्या? नहीं। तो इसके आउटकम बहुत ड्रास्टिक आए, उसके आउटकम क्या हुए? बहुत ड्रास्टिक आए। यहाँ पे देखो इसका आउटकम देखिए क्या था, इसका आउटकम देखिए पॉइंट नंबर 1, अपराइजिंग इन ब्रुसेल। क्या है आपका? बेल्जियम की कैपिटल है। अब देखो अपराइजिंग इन ब्रुसेल का मतलब देखो क्या होता है कि यहाँ पर बेल्जियम की जो भी बाउंड्री थी वो सेपरेट होने लगी किससे? आपके यूके से। अपराइजिंग इन ब्रुसेल का मतलब होता है कि जो आपका बेल्जियम था, जो आपका बेल्जियम था, ये सेपरेट होने लगा आपके कहाँ से? यूके से। सेपरेट फ्रॉम यूके। यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन से क्या हो गया वो आपका अलग हो गया इस रिवॉल्यूशन के कारण। दूसरा हुआ यहाँ पे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। दोनों आउटकम इंपॉर्टेंट है। जुलाई रिवॉल्यूशन मतलब वही था जो बोरबोन किंग था आपका स्पेन का, उसको हटा के वहां पे कौन सा किंग आ गया आपका? लुईस फिलिप आ गया। और ये कैसा था आपका? कंजर्वेटिव का था। इसका आउटकम क्या हुआ? अपराइजिंग इन ब्रुसेल मतलब ब्रुसेल अलग हो गया किससे आपके? यूके से। और दूसरा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीस में भी क्या चालू होगी आपकी? वॉर। ग्रीस में भी क्या चालू होगी? वॉर, ठीक है। अब हमें एक वर्ड पढ़ना है जिसका नाम है रोमांटिसिज्म। ये वर्ड सुना आपने कभी? रोमांटिसिज्म क्या होता है? रोमांटिसिज्म का मतलब होता है लव फॉर योर कंट्री। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है? लव फॉर योर कंट्री, अपनी कंट्री से खुद को प्यार करना। सो क्या कहते हैं प्रिंसिपल को, उस फिनोमेना को क्या कहते हैं? रोमांटिसिज्म। देखो इसमें क्या होता है कि जो भी चीज है, सपोज आप पोइट्री लिखते हो, आप क्या लिखते हो? पोइट्री हो, आपका कोई एंथम हो, या आपका कोई कल्चर हो, या आपके क्लोज हो, तो क्या होता है? देखो जो लोग के कल्चर एक जैसे होते हैं, जो लोग के क्या होते हैं कल्चर एक जैसे होते हैं उनकी दोस्ती हो जाती है। जो लोग के आपके एंथम क्लोज एक जैसे होते हैं, पोइट्री जिनके विचार एक जैसे मिलते हैं, उनकी क्या हो जाती है आपकी दोस्ती। तो रोमांटिसिज्म का मतलब होता है लव फॉर योर कंट्री, मतलब ये सबकी बात किसकी कर रहे थे? ये बात कर रहे थे आपके नेशनलिज्म की। किसकी बात कर रहे थे? नेशनलिज्म की, कि हमको किससे प्यार होना चाहिए?
नेशन से, ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो क्या हुआ इसके बाद, रोमांटिसिज्म की बातें जो बहुत चलते रहा, इसके बाद फिर क्या हुआ, आपका जो लुईस फिलिप था उसको बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो भी पब्लिक थी वो उसके सपोर्ट में थी क्या? नहीं, वहां पे सपोर्ट में नहीं थी, तो क्या हुआ, लोग काम करने जाने नहीं लगे। फिर वहां पे क्या हुआ, ड्रॉट भी आया। ड्रॉट मतलब क्या होता है, दो या दो तीन साल से ज्यादा जब पानी नहीं आया, उसको क्या बोलते हैं ड्रॉट लाइक कंडीशन, जब बारिश दो या दो से तीन साल तक बारिश नहीं होती, उसको क्या कहते हैं ड्रॉट, उसको क्या कहते हैं ड्रॉट। जब ड्रॉट आने लगा, ठीक है, ड्रॉट आया आपका, तो यहाँ पे लिखे 1930 में क्या हुआ आपका, सबसे पहले यूरोप की इकोनॉमी क्या होने लगी आपकी, डिक्रीज। यूरोप की इकोनॉमी क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। साथ में होता है कितने होने लगी, जो भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट थे, अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट थे, ये क्या होने लगे आपके, बढ़ने लगे। साथ में आपका ड्रॉट भी आ गया। ड्रॉट मतलब क्या होता है, सूखा, मतलब बारिश नहीं हो रही। तो ड्रॉट आया तो क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब होता है आपका जो भी फूड प्रोडक्शन है, वो भी क्या हो गया आपका, डिक्रीज। ये सब होने से क्या होगा, अब लुईस फिलिप्स को टेंशन आना चालू हो गया। लुईस फिलिप्स को क्या हो गया, टेंशन आने चालू हो गया, और इसने अपनी किंगशिप को छोड़ दिया। इसने अपनी क्या करा, किंगशिप छोड़, किंगशिप को वैकेट कर दिया। वैकेट कर दिया मतलब छोड़ दिया। अब यहाँ पर किसका रोल आ गया आपका, मतलब किंगशिप को छोड़ दिया, वैसे जैसे किंगशिप को छोड़ा तो क्या हुआ, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, मोनार्ची का मतलब क्या होता है आपका, किंगशिप वाला, ये हट गया, ये हट गया। अब पावर में कौन आने लगी आपकी, नेशनल असेंबली, कौन आने लगी, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली क्या था, जो आपके पर्सन क्या कर रहे थे, वोट। तो नेशनल असेंबली ने क्या बोला कि ठीक है, जो भी पर्सन अब वो 21 इयर्स के एज के, जो भी पर्सन अब वो 21 इयर्स के क्या है, एज के, वो वोट दे सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं आपका, वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसने बोला दूसरा, ठीक है मैं सभी को क्या देता हूं, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क का गारंटी, राइट टू वर्क का क्या है मेरा, गारंटी, राइट टू वर्क की गारंटी देता हूं। साथ में वर्कशॉप इंप्लॉयड करूंगा मैं, साथ में क्या करूंगा, वर्कशॉप करूंगा, जिससे आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, जिनको उनके हिसाब से क्या मिल पाए उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको अपने हिसाब से क्या मिल सके एम्प्लॉयमेंट, जिसको काम नहीं आता, जिसको जो भी, जिसका जो भी हुनर है उसको क्या करूंगा मैं, जॉब दिलाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, नेशनल असेंबली आई, इसने इसमें तीन चीजें करी, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी, देखो यूरोप की इकोनॉमी कम हो रही थी, यूरोप की इकोनॉमी कम हो रही थी, मतलब पैसा नहीं है, तो पैसा कब आएगा, जब आपको जॉब मिलेगा, पैसा है, रेवेन्यू आएगा, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो जिसके पास जो जो टैलेंट था, तुमने क्या कंडक्ट कराया, वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में आपको जो भी आपको हुनर है, सपोज आपको वेल्डिंग करना आता है, तो आपको वेल्डिंग में ट्रेन किया, आपको उसका काम दिया, ठीक है, वो सब करके आपका क्या जनरेट किया, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसको नंबर करो। ठीक है, अब सबसे अहम क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर का, इसको ध्यान से समझना है, इसको 4 से 5 मिनट में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें से क्वेश्चन है आपका, टॉपिक है सेलिसिया एपिसोड, सेलिसिया एपिसोड ऑफ 1845 क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, तो ये क्या है आपका, ये आपका एक रिवॉल्ट था अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, क्या था, रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर। When does it takes place? June 4, 1845 उनका डिमांड क्या था कि वेजेस को क्या करना है आपको, इंक्रीज करना है। और यहां पर पढ़ेंगे इसमें, और देखो तो इसको समझाता हूं हुआ क्या था। सेलिसिया एपिसोड 1845 में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी लोग काम कर रहे थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग किसी के यहाँ काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में, तो उनको क्या हो रहा था कि उनको वेजेस नहीं मिल पा रहे थे, उनके हिसाब से क्या मिल नहीं पा रहे थे, वेजेस, मतलब जो पैसा जितना उनको मिलना चाहिए था पैसा उनको मिल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने क्या किया, रिवॉल्ट चालू कर दिया, किसके अंदर, जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके अगेंस्ट, क्या कर दिया, रिवॉल्ट चालू कर दिया। कब चालू हुआ आपका, 4 जनवरी
1845 में। इसका उनका डिमांड क्या था कि हमारा वेजेस जो होता है, वेजेस मतलब क्या होता है, आपकी सैलरी, हाँ आपकी सैलरी को क्या करो इंक्रीज। तो इनने माना नहीं, तो क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग के पीछे गए और इनने जो भी आपके वर्कर्स थे, वर्कर्स ने क्या किया, जो ये कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन होते हैं, मेंशन मतलब होता है बड़ा घर, मेंशन मतलब क्या होता है, बिग हाउसेस, इसको तोड़ा, इसको क्या करा उन्हें, तोड़ दिया, मतलब इनकी विंडोज को ब्रेक डाउन कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया। और इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे, देखो इधर, इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स क्या हुए, स्टोरी सब में क्या हुई, इस एपिसोड में सबसे पहले जो आपके अनएम्प्लॉयमेंट लोग थे उनने रिवॉल्ट अगेंस्ट किए, कॉन्ट्रैक्टर को बोला था कि हमारा वेजेस इंक्रीज कर दो, 4 जून 1845 से स्टार्ट हुआ। तो उनने वेजेस और क्या किया, वेजेस इंक्रीज नहीं करे तो उनने क्या किया, उनके जो बड़े बड़े घर थे मेंशन उसको तोड़ दिया, दरवाजे तोड़ दिए, खिड़की तोड़ दिए, और उसके डर के मारे ये कहाँ चले गए, आपके विलेज में छुप गए, कहाँ छुप गए, विलेज में, वहां पर भी क्या चल रहा था आपका, रिवॉर्ड चल रहा था। फिर क्या हुआ, इनके पास पावर आ गई, इनने क्या किया, आपके 11 वर्कर्स को, 11 लेबर्स को क्या करते हैं, किल, 11 लेबर्स को क्या करते हैं, किल, और इसी को कहते हैं सेलेसी एपिसोड ऑफ 1845। तो इसमें कितने लोग मर गए थे आपके, 11 लोग मर गए थे, ठीक है। ठीक है, अब लिखो इसमें इसके आउटकम क्या था, ठीक है, आउटकम क्या था इसका, कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्टर थे वो बाहर चले गए, और कितने लोग की डेथ चली गई आपके, 11 वर्कर की। इसके बाद हमको पढ़ना है आपका, तो हमने अभी कौन कौन सी रिवॉल्यूशन पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया सबसे पहले रिवॉल्यूशन आपका जुलाई रिवॉल्यूशन, देन सेकंड नंबर डालना सेलेसी एपिसोड, तीसरा डालना है हमको रिवॉल्यूशन ऑफ 1848, रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। देखो यहां पर क्या हुआ, ये रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 जो था, ये था आपका रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, किसका था, रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, किसका रिवॉल्यूशन था, रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। इसमें क्या आउटकम थे आपके, सबसे पहले तीन डिमांड थी इनकी, इनकी डिमांड कितनी थी, तीन डिमांड थी। सबसे पहली डिमांड थी आपकी नेशन स्टेट, किसकी थी, नेशन स्टेट, सबसे पहली डिमांड थी कि नेशन की स्टेट को अब अपना खुद का एक अकेला कंट्री चाहिए था, अपना एक खुद का क्या चाहिए था, राष्ट्र चाहिए था। दूसरा डिमांड था इनका कि पार्लियामेंट प्रिंसिपल क्या हो, पार्लियामेंट प्रिंसिपल, पार्लियामेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट में पार्लियामेंट बैठे और वही सारे डिसीजन ले आए, वही क्या करे आपके सारे डिसीजन ले। और थर्ड कहा हमने कि फ्रीडम होना चाहिए, किसकी फ्रीडम होना चाहिए, आपकी प्रेस की फ्रीडम होना चाहिए, प्रेस मतलब होता है कि न्यूज़पेपर में जो मन चाहे वो छाप सकते हैं, आपकी स्पीच की फ्रीडम होना चाहिए, जिसको जो बोलना है, जो अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना है सबको क्या करो एक्सप्रेस। तो ये था आपका रिवॉल्यूशन ऑफ 1848। अब क्वेश्चन आता है कि ये तीनों रिवॉल्यूशन में वुमेन का रोल क्या था, इन तीनों रिवॉल्यूशन में वुमेन का रोल क्या था। तो हेडिंग डालना व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन इन रिवॉल्यूशन। तो हमने जितने भी चीजें पढ़ी इसमें वुमेन के बारे में कुछ पढ़ा क्या हमने अभी तक, नहीं, क्यों, क्योंकि वुमेन को वोट मतलब आपका वोटिंग का राइट ही नहीं था, वुमेन के पास आपका वोटिंग का राइट ही नहीं था, इनके पास पॉलिटिकल सिस्टम थी, इनकी खुद की एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी थी आपकी, इनके खुद की क्या थी पॉलिटिकल पार्टी थी, पर इनको नहीं मिल पाया। दूसरा क्या, इन्हें न्यूज़पेपर भी बनाया, इन्हें न्यूज़पेपर बना के पब्लिश भी करे, फाउंडेड न्यूज़पेपर, लोगों को इससे थोड़ा सा मदद तो मिली, बट इनका पता दिखा क्या था, बट दे हैव नो राइट टू वोट, बट दे हैव नो राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब हमको पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, हमको क्या पढ़ना है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपका, इटली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जर्मनी का यूनिफिकेशन।
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफिकेशन का मतलब होता है जर्मनी जो थोड़े थोड़े में बटा हुआ था उसको सबको क्या करना है, हमको एक राज्य या एक राष्ट्र या एक नेशन बनाना है। क्या करना है? एक राज्य या एक नेशन बनाना है। देखो यहाँ पे हुआ क्या था, तो सबसे पहले आपके रिबेल्स थे, यहाँ पे रिबेल्स लड़ रहे थे, फिर क्या हुआ यहाँ पर एक लीडर आया, तो कहाँ का? प्रशिया का। कहाँ का? प्रशिया का एक लीडर आया जिसका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। क्या था? ऑटोमन बिस्मार्क। अब देखो इसने क्या किया, इसने जो था ये आपका प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था, कौन था आपका? प्रशिया का चीफ मिनिस्टर था, ठीक है। इसने क्या किया, 7 इयर्स तक वॉर लड़ा। कितने तक सर? 7 इयर्स तक। 7 इयर्स तक इसने वॉर लड़ा और जीता। हाँ, 7 इयर्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्हें क्या हुआ, 7 साल तक लड़ाई की, जीता भी, और इसके कारण इसके आउटकम से हमको बहुत सारी चीजें मिली। तो क्या हुआ, इसने किसके किसके अलग लड़ाई लड़ा, इसने डेनमार्क के अलग लड़ा और फ्रांस के अलग लड़ा और ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ये जब जीत गया इसके बाद उसने 1871 में इसने क्या बोला कि अब मैं जब आपको यूनिफाइड करके दे रहा हूँ, अब यहाँ पे एक राजा बैठा दो। उस राजा का नाम था आपका विलियम फर्स्ट। क्या नाम था? विलियम फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑटोमन बिस्मार्क की लड़ाई लड़ी, सब कुछ लड़ा, और राजा कौन बना आपका? विलियम फर्स्ट। अब विलियम फर्स्ट जैसे ही आपका राजा बना, तो इसको क्या किया, ही प्रोक्लेम, इसको हमने प्रोक्लेम किया, प्रोक्लेम एज द एम्परर ऑफ, प्रोक्लेम एज द एम्परर ऑफ जर्मनी, प्रोक्लेम एज द एम्परर ऑफ जर्मनी। इसके मेरे हैंडरिटन नोट्स और मेरे प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ फॉर्म में इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आपसे भी यहाँ पे अपनी स्टोरी सुनिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। और एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि एक जगह थी जिसको बोलते हैं हॉल ऑफ मिरर्स। क्या कहते हैं? हॉल ऑफ मिरर्स। यहाँ पे इसको शपथ दिलाई गई, यहाँ पे क्या दिया उसको? शपथ दिलाई गई, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑटोमन बिस्मार्क और विलियम फर्स्ट। और ऑटोमन बिस्मार्क कौन था आपका? सीएम था। कहाँ का? प्रशिया का। अब देखो हमको पढ़ना है इटली का यूनिफिकेशन। क्या पढ़ना है? इटली का यूनिफिकेशन। देखो इटली में क्या था, इनिशियली 7 स्टेट्स थे। कितने? 7 अलग अलग स्टेट थे। एग्जांपल देखो, जैसे आपका किंगडम ऑफ सार्डिना, किंगडम ऑफ सार्डिना, आपका किंगडम ऑफ सिसिली, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ वेनिस, ठीक है, ऐसे अलग अलग आपके थे, ठीक है, प्रिंसली होम रूल। अब क्या हुआ, इतने सारे अलग अलग 7 स्टेट थे, 7 स्टेट का क्या करना था? एक जैसा। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्या आता है आपका क्वेश्चन? देखो इटली जो था आपका 7 जो पार्ट से इटली, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, नॉर्थ इटली, मिडल इटली और आपका साउथ। तो मिडल इटली को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल इटली। तो जो नॉर्थ इटली था स्पेन वाला एरिया, वहां पे बॉर्बन नाम का किंग था। मिडल वाला जो सेंटर था ये यहाँ पे कौन रूल करते थे? आपके पोप, जो चर्च लोग चलाते ना, पादरी लोग, वो थे आपके राजा, ठीक है। तो हमको यहाँ देखो इसमें लिखिए, इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला था आपका नॉर्थ इटली। सबसे पहला क्या था आपका? नॉर्थ इटली। नॉर्थ इटली था आपके अंडर ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग रूल, ऑस्ट्रेलियन के हैब्सबर्ग रूल। सेकेंड था आपका साउथ इटली, ये था आपके बॉर्बन, बॉर्बन बिस्किट खाया आपने? बॉर्बन बिस्किट खाइए, डार्क चॉकलेट वाली बॉर्बन है, हाँ वही वाली है ये स्पेन। और तीसरा था आपका मिडल इटली, ये बॉर्बन ऑफ बॉर्बन किंग भी किंग है था, हाँ किंग था, साउथ का, साउथ का। और मिडल में कौन रूल कर रहा था आपका? पो। मिडल में कौन रूल कर रहा था? पो, मतलब जो चर्च के फादर होते हैं ना वो।
ठीक है ये लिखना। अब देखो यहाँ पे आपका इटली का एक रिवॉल्यूशनरी जिसका हमने पढ़ा था कौन था आपका गैसेपी मज़ेनी था आपका गैसेपी मज़ेनी कौन था आपका इटली का रिफॉर्मेशन कौन था रिवॉल्यूशनरी। उसने क्या करा सेटअप किया ट्राई टू यूनाइट इटली बाय फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटी। इटली को यूनाइट करने की कोशिश किया बाय फॉर्मिंग सीक्रेट सोसाइटी को लाइक दो सोसाइटीज ने बनाया जिसका नाम था यंग इटली। एक सोसाइटी का नाम क्या था यंग इटली और दूसरी सोसाइटी का नाम था यंग यूरोप। ठीक है तो इटली को आपको तीन टाइप में डिवाइड करा था और यहाँ पे जो आपका रिवॉल्यूशनरी था मज़ेनी इसने क्या बोला कि मैं छोटी छोटी स्मॉल सोसाइटी बनाता हूँ सीक्रेट सोसाइटी जो धीरे धीरे काम करते रहेंगे और लिबरल्स को लेकर आएगी कंजर्वेटिव को क्या करेंगे हराएगी। ठीक है और इसके बाद पर क्या हुआ ये फेल हो गया ये फेल। अब इसके बाद नाउ जो आपको किंगडम ऑफ सार्डिना था ना किंगडम ऑफ सार्डिना यहाँ के राजा को अब ये चार्ज मिला किंगडम ऑफ सार्डिना के राजा को क्या मिला चार्ज मिला कि आप इनको हराओ। ठीक है और यहाँ पे एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट लीडर था जिसका नाम है विक्टर इमैनुअल सेकंड। क्या नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये व्यक्ति पिक्चर में आया और इसने क्या किया विद द हेल्प ऑफ फ्रांस फ्रांस की आर्मी को यूज करके इसने क्या किया इसको हरा दिया। फ्रांस की आर्मी को यूज करके किसको हरा दिया बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। किसको हरा दिया बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है विक्टर इमैनुअल वहां का एक बहुत बड़ा मिलिट्री वाला व्यक्ति था इसने क्या करा फ्रांस की मिलिट्री की मदद करा और हाँ इटली का ही था। ठीक है इसकी मदद करा और इसने क्या करा इनको हराने की कोशिश करा। सबसे पहले इसने ऑस्ट्रिया की को हरा दिया जो बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन था इसको भी हरा दिया किसने विलबर्दी ने। किसने विलबर्दी ने इसने हरा दिया और इसका जो पोप था इसने खुद ही सरेंडर कर दिया। इसने क्या करा खुद ही सरेंडर कर दिया। वैसे भी पूजा पाठ करने वाले थे लड़ाई के लड़ने से तो जैसे ही आया फ्रांस के आर्मी को लेकर इसने इसको हराया एक और व्यक्ति ने इसको हराया और पोप ने क्या करा उसको सरेंडर कर दिया। इनने सबको क्या कर दिया सरेंडर कर दिया। ठीक है और इसके बाद जो इमैनुअल था आपका विक्टर इमैनुअल 1861 में इसने भी अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया प्रोक्लेम एम्परर ऑफ इटली। इसने भी अपने आप को किसका कर दिया प्रोक्लेम एम्परर ऑफ इटली। इटली का राजा अपने आप को इसने भी घोषित कर दिया जीत के। ठीक है नोटडाउन करो उसको। ठीक है अब हमको पढ़ना है बाल्कन कंट्रीज टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारे इसका। बाल्कन कंट्रीज पता है आपको क्या होती है न्यूज में बहुत आती है बाल्कन कंट्रीज पता है आपको। इसके बाद ही आपका ब्रिटेन का इंटीग्रेशन ब्रिटेन आपका पावर में आया। बाल्कन कंट्रीज देखो क्या होती है वो छोटी छोटी कंट्रीज है। क्या होती है बाल्कन कंट्रीज बाल्कन कंट्रीज आपके यूरोप की ही छोटी छोटी कंट्रीज है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस है और यही रिसोर्सेस को पाने के लिए सभी लोग लड़ाई कर रहे थे जर्मनी पोलैंड फ्रांस आपका रशिया और यहाँ पर इसी के कारण क्या हुआ आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है तो लिखो बाल्कन कंट्रीज आज भी नाम यही नाम से आज भी इसका यही नाम है। बाल्कन कंट्रीज में एग्जांपल कौन कौन थे आपके जैसे सर्बिया रिसोर्सेज है यहाँ पे रोमानिया क्रोएशिया ग्रीस टर्की ठीक है मैसिडोनिया ये सब कौन थे आपके बाल्कन कंट्रीज। ठीक है अल्बेनिया और भी बहुत सारे कंट्रीज मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था। अब ये कंट्रीज में क्या हुआ यहां पर थे आपके बहुत सारे रिसोर्सेस यहां पर क्या थे आपके रिसोर्सेस थे बहुत ज्यादा मैक्सिमम रिसोर्सेस थे और यहां का लीडर कौन था आपका यहां पे लीडर था आपका ऑटोमन एम्पायर। क्या था ऑटोमन एम्पायर क्या था आपका मुस्लिम एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर कैसा था आपका मुस्लिम एम्पायर। ठीक है तो क्या हुआ जैसे ही मुस्लिम वीक हुआ ब्रिटेन ने इसको अटैक कर दिया। जैसे ही वीक हुआ किसने अटैक कर दिया ब्रिटेन ने और ब्रिटेन ने क्या कर दिया इस पर कंट्रोल कर लिया और ब्रिटेन ने जैसे कंट्रोल किया सभी रिसोर्सेज को क्या कर लिया अपने अंडर कर लिया सभी रिसोर्सेज को क्या करा अपने
अंडर में लिया, और रिसोर्स को जैसे ही अंडर में लिया तो क्या हुआ, अब ब्रिटेन के साथ आपका जर्मनी भी बोल रहा था कि मेरे को भी रिसोर्स चाहिए, ब्रिटेन के साथ बोल रहा, जर्मनी बोल रहा था, फ्रांस बोल रहा था कि मेरे को भी रिसोर्स चाहिए, पोलैंड बोल रहा था ये भी मेरे को भी रिसोर्स चाहिए, ठीक है, ये सभी लोग हुए और यहाँ पे क्या हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या हो गया आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अमेरिका नहीं आया, अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, ठीक है, अमेरिका डज नॉट टेक पार्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और यहाँ पे ब्रिटेन के सभी रिसोर्स के कारण इसने क्या करा, सभी रिसोर्स कारण ये लड़ाई हुई आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर वन पूरा कंप्लीटली खत्म हो रहा है, और जल्दी हम चैप्टर नंबर टू अपलोड करेंगे, इसके सभी नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको समझ में जाएगा। तो स्टोरी को ध्यान में रखिए और बार बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको स्टोरी याद रहेगी कि इसके बाद क्या सीरीज है। थैंक यू।